तो यहाँ पे तुम दो तरह के स्टूडेंट हो सकते हो। पहले वो जिनका सिलेबस पूरा तो कंप्लीट है लेकिन नीट के मॉक टेस्ट वगैरह में ना 350, 400, 300 इस तरह करके स्कोर कर रहे हैं। दूसरे वो स्टूडेंट जिनका सिलेबस 70-80% कंप्लीट है और वो लोग भी 300, 350, 400 इस तरह करके स्कोर कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, और दोनों ही चाहते हैं कि किसी भी तरह से इन लास्ट डेज में प्रिपरेशन करके 550 या फिर 600 मार्क्स ला सके। अब ये करोगे कैसे? देखो ये पॉसिबल है, करना कैसे है आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ही बता दूं कि अभी तुमको इन लास्ट डेज में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी में टाइम देना होगा, जितना टाइम हो सके उतना ही टाइम स्टडी में देना होगा और अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करने की कोशिश करना होगा। दूसरी चीज़ ये, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट है लेकिन फिर भी मार्क्स कम अगर आ रहे हैं तो तुम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, तो तुमको ना अभी अपने गलतियों पे काम करना है, गलती को सुधारना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। कैसे करोगे आगे तो बताऊंगा ही। तो सबसे पहला वर्क अभी जो करना है वो तुमको एनालाइज करना है कि तुम मैक्सिमम टाइम कहाँ गलती करते हो जिस वजह से मार्क्स तुम्हारे कम आते हैं। कहीं तुम्हारा कोई सब्जेक्ट तो वीक नहीं है? सपोज फिजिक्स बहुत सारे स्टूडेंट का वीक होता है, तो तुम्हारा अगर कोई सब्जेक्ट वीक है, उस सब्जेक्ट में कोई चैप्टर वीक है, उस चैप्टर में हर बार गलती करते हो, तो उस गलती को हो सके तो सुधार दो, अदरवाइज उस चैप्टर को ही नेग्लेक्ट कर दो, अदरवाइज तुम्हारे मार्क्स नेगेटिव में चला जाएगा। दूसरी चीज, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट ना सिली मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत बार घुमा देता है, क्वेश्चन नहीं समझने की वजह से आंसर कई बार गलती कर देते हैं। तो अगर सिली मिस्टेक्स करते हो तो वो चीज भी देखो, एनालाइज करो। अब तुमको इंप्रूव करने के लिए ना कुछ चीजें जो ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले एक मिस्टेक नोटबुक रखना है। अब इसका यूज कैसे करना है आगे बताऊंगा। दूसरी चीज, लास्ट 10-15 का पीयूआई क्विज बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। चौथी चीज, तुम्हारे पास अगर नोट्स है हर एक चैप्टर से रिलेटेड तो बहुत बेटर है, शॉर्ट नोट्स है तो और भी बेटर है, ठीक है। फिफ्थ, तुमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब करना क्या है तुमको अपने आप को इंप्रूव करने के लिए? तो देखो, सबसे पहली बात, पीयूआई क्विज से ना ये समझ आता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पहले आ चुका है। अगर तुम पीयूआई क्विज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो मतलब तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा खासा हो चुका है। अगर पीयूआई क्विज में कहीं गलती कर रहे हो मतलब तुम्हारा प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ कमी है, तो उस कमी को पूरा करना है। अब ये करोगे कैसे आगे बताऊंगा। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट से तुमको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाला है, तो तुम अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे उसी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे यूज कैसे करोगे? सपोज तुम एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो 200 क्वेश्चंस का, जिसमें से तुमने 140 क्वेश्चंस तुमने सॉल्व कर लिया लेकिन 60 क्वेश्चन तुमने सॉल्व नहीं कर पाया, तो तुमको ये देखना है कि बाकी के 60 क्वेश्चंस तुमने सॉल्व नहीं कर पाया क्यों, या फिर तुमने 140 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पाया उन सब क्वेश्चन में तुमने अगर कहीं गलती किया तो गलती क्यों किया, वो चीज़ देखना है, एनालाइज करना है। सपोज तुमने सेल चैप्टर कंप्लीट कर रखा है और सेल चैप्टर से कोई एक क्वेश्चन आया मॉक टेस्ट में और तुमने वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, तो तुमको ये देखना है कि वो क्वेश्चन तुमने सॉल्व क्यों नहीं कर पाया। इसके लिए सबसे पहले तुमको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। सेम चीज़ फिजिक्स केमिस्ट्री में भी करोगे, क्या करोगे कि क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तुमसे अगर समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो तुम क्या करोगे, क्वेश्चन का आंसर देखोगे। आंसर देख के भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो तुम यहाँ पे सिंपली जो स्टेप अपनाओगे कि ये देखोगे कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर के किस टॉपिक से पूछा गया है। सपोज अगर सेल चैप्टर से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सेल चैप्टर से कौन से टॉपिक से कौन से पॉइंट से ये क्वेश्चन आया है, उसके बाद क्या करोगे उस पॉइंट को उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करोगे नोट्स के थ्रू, अगर शॉर्ट नोट्स है उसके थ्रू भी क्लियर करोगे। अब उसको अच्छे से क्लियर करोगे, क्लियर करने के बाद क्या करोगे कि उसी से रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। अब ऐसा करने से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी क्वेश्चन उस टाइप के आते हैं तो तुम आराम से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन साथ ही साथ एक चीज ये भी करना है कि मिस्टेक नोटबुक में ना तुमको लिख लेना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने गलती किया था, ये क्वेश्चन में ये सवाल पूछा गया था और मैंने इस वजह से सॉल्व नहीं कर पाया था, इसका आंसर ये है। तुमको ना मिस्टेक नोटबुक में लिखना जरूरी है और उसको अच्छे से लिख के एक्सप्लेन कर लेना है और अपने माइंड में बिठा लेना है कि ये गलती किया था, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन आए तो मैं गलती ना करूं इस टाइप का। तो ऐसा करने से क्या होगा, तुम इंप्रूव भी कर पाओगे और कोई क्वेश्चन आएगा तो आराम से सॉल्व भी कर पाओगे और सेम टाइप का मिस्टेक नहीं करने वाले हो। ज्यादा से ज्यादा तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है हर एक चैप्टर से रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ में आ गया। सेम चीज फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करोगे, पीयूआई क्विज पे भी सेम अप्लाई करोगे, तो नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।